सीधे हम आपको लिए चल रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर, जहां मंच पर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और भाषण शुरू कर चुके हैं। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, बिहार के वरिष्ठ नेता, मेरे मित्र श्री रामविलास पासवान जी, श्री सुशील मोदी जी, श्री नंद किशोर यादव जी, श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, कैप्टन जयनारायण निषाद जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री रविशंकर जी, शाहनवाज हुसैन जी, राजीव प्रताप रूडी जी, पूर्व एमपी श्रीमान अरुण कुमार जी, युवा नेता भाई चिराग पासवान जी, श्री भोला सिंह जी, राधा मोहन सिंह जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आदरणीय रमा देवी जी, सुरेश शर्मा जी, जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के कोना कोना से आए लोग, हमार भाई और बहन लोग, रौरा सबके शत शत प्रणाम। भाइयों बहनों, मैं 27 अक्टूबर को पटना में आया था। और बिहार ने जिस प्रकार से स्वागत किया था, सम्मान किया था, गौरव किया था, मैं इसे मेरा अहोभाग्य मानता हूं। और उसी समय राजनीतिक द्वेष के कारण जिस प्रकार से निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, एक के बाद एक बम धमाकों ने पटना की धरती को लहूलुहान कर दिया। भाइयों बहनों, वो बम धमाके के गांव भारत के लोकतंत्र के, हिंदुस्तान के भाईचारे पर लगे थे, एकता और सद्भावना पर लगे थे। लेकिन भाइयों बहनों, तबाही करने वाले कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, बिहार की जनता ने ठान ली है, इतने बड़े हमले के बाद भी जो शांति, एकता और भाईचारे के दर्शन बिहार की जनता ने करवाए हैं, मैं इस धरती को नमन करता हूं, यहां के लोगों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, शांति, एकता, सद्भावना के बिना यह देश
विकास नहीं कर सकता है, प्रगति नहीं कर सकता है। और इसलिए शांति, एकता, भाईचारा, सद्भावना, इसी नींव पर विकास की इमारत बनने वाली है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपने ये जो एक अहम उदाहरण प्रस्तुत किया है, वे देश के लिए उदाहरण रूप है। भाइयों बहनों, मेरे मन में विचार आता है, किसी को मोदी के खिलाफ इतराज हो सकता है, किसी को भाजपा के खिलाफ भी इतराज हो सकता है। लोकतंत्र में उनका विश्वास ना हो और उनको अच्छा भी लगता हो कि अच्छा होगा इन धमाकों में इनका खेल पूरा हो जाए, लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा के नेताओं को सुरक्षा मिले या न मिले, लेकिन बेगुनाह नागरिकों को क्यों मारा जा रहा है? आखिर मरने वाले भी तो मेरे ही बिहार के भाई बहन थे। लेकिन भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग इस दर्द को नहीं समझ सकते हैं, इस पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसी विचारधारा, ऐसे राजनेता, उनसे जल्दी जितनी देश को मुक्ति मिलेगी उतना ही देश का भला होने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आज बिहार की जनता का एक और भी ऋण स्वीकार करना चाहता हूं। ये ऋण स्वीकार हमने गुजरात से एक आह्वान किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व में सबसे ऊंचा स्मारक बनाने का हमने निर्णय किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया था, देश की एकता के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हमने किसानों से प्रार्थना की थी कि आपके खेत में जो औजार उपयोग में आया है वो लोहे का एकाद औजार मुझे दे दीजिए, आप ही के खेत में उपयोग में आए हुए औजार से सरदार पटेल की स्टैच्यू बनेगी, ताकि देश की एकता का संदेश जाए, वो किसान पुत्र थे वो संदेश जाए, और हिंदुस्तान के कोने कोने की भागीदारी है वो संदेश जाए। मैं बिहार का आभारी हूं कि आपने गांव गांव इस भावना को पहुंचाया, हर गांव ने उत्साह और उमंग के साथ खेत में काम आए हुए औजार का लोहा हमें भेज दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो भव्य स्मारक होगा तो वहां बिहार की भी मौजूदगी होगी। और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, आज जब मैं मुजफ्फरपुर की धरती पर आया हूं, हम जो आजादी की सांस ले रहे हैं, इसका कारण खुद राम बोस जैसे वीर सपूतों ने देश के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया था। देश की आजादी के जंग के सभी महापुरुषों को इस धरती पर से मैं नमन करता हूं। खुदराम बोस सदा सर्वदा देश की युवा पीढ़ी को
त्याग और तपस्या की प्रेरणा देते रहेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू कभी यहां पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं की थी। भाइयों बहनों, श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस कभी इसी क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे थे। मैं आज हम सबको, आप सबको प्रार्थना करता हूं कि हम सब परमात्मा को प्रार्थना करें कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब का स्वास्थ्य बहुत ही जल्द अच्छा हो और वे इस देश की सेवा में उनका अनुभव काम आए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि बिहार की धरती को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस साहब का स्वास्थ्य बहुत ही जल्दी अच्छा हो। भाइयों बहनों, जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारी मैथिली भाषा को संविधान सूची में देकर के उसका गौरव किया था, उसका सम्मान बढ़ाया था। भाइयों बहनों, यह हुंकार रैली है, यह हुंकार किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। यह हुंकार हमारे अधिकारों के लिए आवाज है। यह हुंकार देश को बर्बाद करने वालों से बचाने के लिए है। यह हुंकार देश में राजनीतिक परिवर्तन की आशा आकांक्षाओं को लेकर के आया है। यह हुंकार बुराइयों से मुक्ति के लिए है। यह हुंकार अच्छाइयों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए है। और इसलिए भाइयों बहनों, इसी हुंकार रैली से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तब देश की राजनीतिक चित्र का हाल क्या है? भाइयों बहनों, मैं जहां भी जाता हूं, जिस किसी से मिलता हूं, मैं एक ही विषय की चर्चा करता हूं, मैं सबसे एक ही बात करता हूं और मैं लगातार कोशिश करता हूं देश की समस्याओं के हल ढूंढने में लगा रहता हूं। मेरी प्राथमिकता है देश की समस्याओं का हल ढूंढना और हमारे विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। वे लगे हैं मोदी का हल ढूंढने में लगे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये जो संकुचित मानसिकता है वो कभी भी देश का भला नहीं कर सकती है। भाइयों बहनों, बहुत तेजी से एनडीए का विस्तार हो रहा है और मैं जब एनडीए बोलता हूं तो मेरे सामने एनडीए के दो रूप है। एक है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरा है नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। और ये हमारा परिवार बढ़ रहा है। मैं रामविलास जी का, भाई चिराग का, उपेंद्र कुशवाहा जी का और उनके सभी साथियों का ये एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। ये शक्ति बढ़ने वाली है, ये रुकने वाला नहीं है मामला, ये बढ़ता ही चलेगा और औरों की परेशानी भी उतनी ही बढ़ने वाली है। उनको तो परेशानी हो रही है कि भाजपा वाले, इनको तो हम बनिए ब्राह्मण की पार्टी कहते थे और ये पिछड़ी जाति के लड़के को उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। चौंक गए हैं, चौंक गए हैं। भाइयों बहनों, लिख करके रखिए,
आने वाला दशक 60 साल बीत चुके हैं मित्रों, आने वाला दशक हिंदुस्तान में दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का, आदिवासियों का, वंचितों के विकास का दशक होने वाला है, उनके हकों की रक्षा का दशक होने वाला है। ये मैं आज आपको मेरा इरादा साफ कर देता हूं भाई। आपने वादे तो बहुत किए, लेकिन क्या कभी कोई वादा निभाया है? क्या कभी गरीबों की परवाह की है? भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस ने कभी कोई वादा निभाया है? ये थर्ड फ्रंट वालों ने कभी किसी का भला किया है? ये एक साल पहले थर्ड फ्रंट वाले कहीं नजर आते थे? 6 महीने पहले नजर आते थे? जब चुनाव का बिगुल बजता है तभी ये जागते हैं, फिर 5 साल सो जाते हैं। ये चुनावी खिलाड़ी, ये चुनावी खिलाड़ी चुनाव का माहौल तो बिगाड़ सकते हैं, लेकिन देश का कभी भला नहीं कर सकते भाइयों। और इसलिए चाहे कांग्रेस हो और ये थर्ड फ्रंट हो, या आखिर थर्ड फ्रंट है क्या, उसमें से अधिकतर पार्टियां वो हैं जिन्होंने कांग्रेस को बचाने का काम किया है। कभी वो कांग्रेस के लालच में फंस करके काम करते हैं, कभी सीबीआई के चाबुक से डर करके काम करते हैं। भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में हिपोक्रेसी नहीं चलती है। मैं रामविलास जी के लिए कहना चाहता हूं, आज वो एनडीए छोड़ करके गए थे, विरोध की घोषणा करके गए थे, लेकिन उसके बाद कभी भी मिलना हुआ, कहीं पर भी मिलना हुआ तो प्यार से मिले हैं। और अगर अखबार वालों ने फोटो निकाली तो वो डरे नहीं है, कोई हिपोक्रेसी नहीं की, अखबार के सामने हाथ से हाथ मिलाकर के फोटो निकालने की हिम्मत रामविलास जी हमेशा करते थे। वरना मैंने ऐसे नेता देखे हैं कि कमरे में तो बड़े प्यार से बातें करते हैं, भोजन के टेबल पर भी बैठते हैं, लेकिन अगर पब्लिक में हाथ मिलाना है तो पसीना छूट जाता है। लोकतंत्र में विरोध हो सकता है, ये लोकतंत्र का स्वभाव भी है, लेकिन लोकतंत्र में हिपोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं होती है मित्रों। जनता गलतियों को माफ करती है, लेकिन जनता कभी भी हिपोक्रेसी को माफ नहीं करती है। भाइयों बहनों, मेरा बहुत सालों पहले मधुबनी जिले के एक सज्जन से काफी अच्छा परिचय हुआ था, और वो इतने मीठी भाषा बोलते थे, मुझे इतना मजा आता था सुनना है, मैथिली इतनी मीठी भाषा बोलते, मुझे बहुत अच्छा लगता था। भाइयों बहनों, एक तरफ इतनी बढ़िया मीठी भाषा, और मीठे लोग ही मीठी भाषा बोल सकते हैं, कड़वे लोग मीठी भाषा नहीं बोल सकते। लेकिन भाइयों बहनों, ये हमारा चंपारण जो कभी देश की चीनी का कटोरा माना जाता था, यहां पर चीनी के कारखाने चलते थे, ऐसी तो क्या हाल हो गई कि देश को मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। भाइयों बहनों, मेरे गन्ने का किसान परेशान है। आज स्थिति को नहीं बदला जा सकता क्या? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? भाइयों बहनों, ये जो बर्बादी करने वाले लोग हैं, इनको सामान्य लोगों की परवाह नहीं है। आप कहिए भाइयों बहनों, आज भी जिस बिहार में
भगवान बुद्ध और महावीर का स्मरण होता है। जयप्रकाश नारायण तक के इतने महापुरुषों की भूमि रही है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं माताओं से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, क्या हमें पीड़ा नहीं होती है कि आज भी हमारे देश पे करोड़ों करोड़ों माताओं को खुले में शौचालय के लिए जाना पड़ता है, दिन के उजाले में हमारी मां बहनें शौचालय तक नहीं जा सकती है, रात के अंधेरे का इंतजार करती है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है। क्या भाइयों बहनों, आजादी के 60 साल के बाद कम से कम हमारी माताओं बहनों को शौचालय भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, मेरा किसी से राजनीतिक विरोध नहीं है, मेरे भीतर एक पीड़ा होती है, दर्द होता है मेरी करोड़ों करोड़ों मां बहनों के ये हाल देख करके। हमारे बिहार में सिर्फ 23% घर ऐसे हैं जहां शौचालय है, सिर्फ 23%। भाइयों बहनों, ये ऐसा मेरा देश 21वीं सदी में जिसके पास मां बहनों की इज्जत प्राथमिकता न हो तो भाइयों बहनों शर्म आती है। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, हमारी माताओं बहनों को अनेक पीड़ाओं से हमें मुक्ति दिलानी है। भाइयों बहनों, सिर्फ 16% घर ऐसे है यहां जहां बिजली है, घर में कनेक्शन हो सिर्फ 16%। भाइयों बहनों, आपको बिजली मिलती है क्या? बिजली मिलती है क्या? मुझे बताइए, आपको बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ने के लिए बिजली चाहिए, मां बीमार है तो पंखा चलाने के लिए बिजली चाहिए, खेत में पानी पहुंचाने के लिए बिजली चाहिए, बिजली सहज स्वीकार्य है कि नहीं है? अरे मोबाइल फोन लाते हैं लेकिन चार्जिंग के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। भाइयों बहनों, बिहार में बिजली जाती है ये खबर नहीं है, बिजली आती है ये खबर है। लोग रास्ते में जाते बस में बात करते हैं, यार पिछले मंगल मेरे यहां आई थी, तो दूसरा कहता अच्छा मेरे यहां तो पिछले मंगल भी नहीं आई, बिजली आना है खबर है यहां। भाइयों बहनों, नजदीक में कोयले की खदान है, पूर्व में तो बिहार खो जो संयुक्त था तो कोयले की खदान के ढेर पर बैठा हुआ था, लेकिन विकास की दृष्टि न होने के कारण यह तबाही हो गई। मेरे नौजवान, आप मुझे बताइए, ये बिहार की वर्तमान सरकार आपको रोजगार दे सकती है? ये दिल्ली की वर्तमान सरकार आपको रोजगार दे सकती है? क्या रोजगार के बिना आपका जीवन चल सकता है? भाइयों बहनों, मैंने अभी 2012 की जानकारी ली, 2012 में 8,50,000 लोगों ने बेरोजगारों के दफ्तर में अपना नाम रजिस्टर करवाया बिहार में, 8,50,000। और नौकरी कितने लोगों को मिली होगी? 8,50,000 बेरोजगार में से ये विकास के दावे करने वाली सरकार ने सिर्फ 2,000 लोगों को रोजगार दिया, 2,000। भाइयों बहनों, जिनको देश के नौजवानों की परवाह नहीं, उनके रोजगार की परवाह नहीं, भाइयों बहनों, वे कभी भी आने वाली पीढ़ी का भला नहीं कर सकते। जिस प्रकार से यहां हमारा किसान गन्ने की खेती करना, चीनी की मिलें बंद पड़ी है, किसान परेशान है,
उसी प्रकार से पूरा हिंदुस्तान इसी क्षेत्र से लीची का भी स्वाद लेता है और मखाना का भी स्वाद लेता है। हिंदुस्तान का 90% मखाना इसी इलाके से आता है। और भाइयों बहनों, और इसलिए हमारा और आपका नाता जरा पुराना है, अगर कमल नहीं तो मकाना कहां से आएगा। और इसलिए आपका और कमल का तो बड़ा पक्का नाता है, और एक बार कमल आया तो फिर मकाना ही नहीं, लक्ष्मी स्वयं आकर के बैठने वाली है। भाइयों बहनों, क्या मखाना न्यूट्रिशन की दृष्टि से उत्तम है? मखाना न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज्यादा वाला है, जो कुछ चीजें खाने में आती है उसमें एक नाम मखाना का आता है। लेकिन उसके वैल्यूएशन के लिए न कुछ सोचा गया न विचार किया गया। भाइयों बहनों, आवश्यकता यह है विकास को प्राथमिकता दी जाए। यहां सामने ही मैं जब हेलीकॉप्टर से देख रहा था, इतनी बड़ी विशाल ये भीड़, लेकिन मैं देख रहा था हजारों लोग रोड पर बेचारे आ रहे थे, मीलों दूर उनकी गाड़ियां खड़ी थी, हेलीकॉप्टर से दिखाई दे रहा। अभी भी शायद कुछ लोग तो पहुंच नहीं पाए होंगे। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए एक रास्तों के चतुष्कर की कल्पना दी थी, और सौराष्ट्र से सिलचर तक, सौराष्ट्र से सिलचर तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने का काम प्रारंभ किया था, वही रास्ता यहां से गुजरता है। भाइयों बहनों, अगर 2004 में अटल जी की सरकार बनी होती, मैं भाइयों बहनों दावे से कहता हूं ये सौराष्ट्र से सिलचर वाया बिहार तेज गति से गाड़ियां दौड़ती, बिजनेस चलता, कितना बड़ा काम होता। लेकिन वो अनेक राज्यों के किनारे पर मरा पड़ा है। ये हमारे नंद कुमार जी जब थे तो उन्होंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन फिर ठप हो गया है। लेकिन और राज्यों में तो दिल्ली की सरकार ने इसको रोक करके बैठे हुए है। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास के प्रति कितनी उदासीनता राज्य की और दिल्ली की सरकार की है, इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करता रहता हूं। भाइयों बहनों, आतंकवाद इस देश को तबाह कर रहा है, और हम इस मत के हैं दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवाद ये मानवता का विरोधी है। नेपाल की सीमा आज संकट का कारण बनी हुई है, और भाइयों बहनों, आतंकवादियों को छिपने के लिए अब लगता है बिहार उनको स्वर्ग भूमि लगने लगी है। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार की वोट बैंक की राजनीति आतंकवादियों के प्रति कठोर रवैया बरतने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, आकृत आतंकवाद के प्रति नरमी वो पूरे देश को तबाह कर देगी, और उसके खिलाफ राजनीतिक आटा विचारधारा बीच में आड़े नहीं आनी चाहिए, सत्ता सुख के सपने आड़े नहीं आने चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए देश में एक स्वर होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके होना चाहिए, तभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है, तभी सामान्य मानवी को सुरक्षा का एहसास हो सकता है। भाइयों बहनों, कुछ लोग अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं। भाइयों बहनों, पिछले 40 साल से हिंदुस्तान में गरीबों की भलाई के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलता है, जिस 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीबों की भलाई के काम होते हैं। सभी सरकारें और भारत सरकार इससे जुड़ी हुई है। हर 6 महीने उसकी रिपोर्ट निकलती थी, कौन सरकार गरीबों की भलाई के लिए अच्छा काम करती है।
भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जो 20 सूत्री कार्यक्रम के इंप्लीमेंटेशन में हमेशा अव्वल नंबर पे रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस की एक भी सरकार नहीं रही है। और ये थर्ड फ्रंट के नाम पर गाजे बाजे करने वालों को तो ऐसे कामों में कोई रुचि भी नहीं है, नहीं उन्होंने कभी की है। भाइयों बहनों, गरीबों का भला ये भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, हमारा ये इलाका है जहां भरपूर पानी है, हमारा ये इलाका है जहां पर सर्वाधिक अच्छी जमीन है, लेकिन भाइयों बहनों, पानी के कारण कभी बाढ़ में परेशानी होती है तो कभी बाढ़ के बाद अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण परेशानी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाने का संकल्प किया था, और जहां ज्यादा पानी के कारण नुकसान होता है उनको बचाने के लिए संकल्प किया था और रिवर ग्रिड का एक सपना देखा था। भाइयों बहनों, पूरे देश को अगर सुजलाम सुफलाम बनाना है, पूरे देश को अगर हरा भरा बनाना है तो हम सबके लिए आवश्यक है कि हम भाइयों बहनों रिवर ग्रिड के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं। दिल्ली की सरकार ने उसको डिब्बे में बंद करके रखा हुआ है। वाजपेयी जी का सपना अधूरा है, उस सपना पूरा करने का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आजकल हमारे देश में फैशन हो गई है। आपको याद होगा पहले के जमाने में हिंदुस्तान में कुछ भी होता था तो एक फैशन थी, भाई इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है, कोई भी बात हो तो बोलते थे विदेशी शक्तियों का हाथ है। बाद में कोई घटना घटती थी तो कहते थे ISI का हाथ है। यह हमारे देश में लगातार बोला जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस देश में कुछ भी हो एक जड़ी बूटी हाथ आ लगी है कुछ लोगों को, सत्ता पाने की जड़ी बूटी, और उसका नाम उन्होंने रखा है सेक्युलरिज्म। आप कहो भाई नौजवानों को रोजगार चाहिए, वो कहते हैं सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहो महंगाई ज्यादा है तो बोले सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहें गरीबों को दो पेट खाना मिले तो कहते हैं सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहो कि भाई हमारे यहां खेती किसानों की परेशानी है, अरे बोले वो बाद में, अभी सेक्युलरिज्म परेशान है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए आपको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए, गरीब को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, रहने को घर चाहिए कि नहीं चाहिए। इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, और इसलिए एक ही माला फेरते रहते हैं सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। भाइयों बहनों, ये फरेब है, देश की जनता को गुमराह करने का काम है। इनके लिए सत्ता हथियाना एक सिर्फ रास्ता है, इनका कोई कमिटमेंट नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश के सामने मुद्दा है महंगाई, इस देश के सामने है मजबूत सरकार, इस देश के सामने मुद्दा है मजबूत नेतागिरी, उसका जवाब देना नहीं है। और इसलिए ऐसे ही बातें करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, उनके लिए सेक्युलरिज्म ये सिर्फ चुनावी नारा है, हमारे लिए सेक्युलरिज्म का मतलब है हर संप्रदाय हमारा है। उनके लिए सेक्युलरिज्म वोट बैंक की राजनीति है, हमारे लिए सेक्युलरिज्म ये विकास की राजनीति है। उनके लिए सेक्युलरिज्म तोड़ो और राज करो, हमारे लिए सेक्युलरिज्म जोड़ो और विकास करो का मंत्र है। उनके लिए सेक्युलरिज्म, उनके लिए सेक्युलरिज्म अपीजमेंट फॉर फ्यू जस्टिस फॉर नन, हमारे लिए अपीजमेंट टू नन जस्टिस फॉर ऑल, ये हमारा सेक्युलरिज्म है। उनके लिए सेक्युलरिज्म
नाकामियों को छुपाने का बहाना है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म विकास का नया रास्ता बनाना है। भाइयों बहनों, उनके लिए सेक्युलरिज्म रिलीजन फर्स्ट होता है, हमारे लिए सेक्युलरिज्म इंडिया फर्स्ट होता है। भाइयों बहनों, उनके लिए सेक्युलरिज्म ये राजनीतिक हथकंडा है, हमारे लिए आस्था का विषय है। और इसलिए भाइयों बहनों, सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान को गुमराह करने वाले लोग, भाइयों बहनों, मैं आज बिहार की धरती पर आया हूं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 2022 में हमारी आजादी को 75 साल होंगे, अमृत महापर्व आएगा। क्या हमारा देश अमृत पर्व आने से पहले यह सपना नहीं दे सकता है क्या? भाइयों बहनों, मैं इरादा लेकर के आया हूं आज, और मैं आपको कहता हूं, हिंदुस्तान में कोई ऐसा नागरिक ना हो कि जिसको रहने के लिए छत ना हो। हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हर व्यक्ति परिवार को घर मिले, और घर भी ऐसा जिसमें शौचालय हो, घर भी ऐसा जिसमें पानी का नल हो, नल में पानी आता हो, घर भी ऐसा जिसमें बिजली का कनेक्शन हो। भाइयों बहनों, ऐसा घर हिंदुस्तान के हर परिवार को मिले, ये भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का सपना है। और जब हिंदुस्तान अपने आजादी के 75 वर्ष मनाएगा, उस समय हम इसको पूरा करने के लिए आपके पास आए हैं। मैं विश्वास करता हूं आप मुझे समर्थन करेंगे, हर परिवार को घर मिले इस काम को आप बल देंगे, ये मैं विश्वास करता हूं। भाइयों बहनों, आज देश आज देश की राजनीति दो खेमों में दिखाई देती है, दो मोड़ पर दिखाई देती है, दो रास्तों पर नजर आ रही है। मोदी कहता है महंगाई रोको, वे कहते हैं मोदी रोको। मोदी कहता है भ्रष्टाचार रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मोदी कहता है मां बहनों पर अत्याचार रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मोदी कहता है अन्याय रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मेरे भाइयों बहनों, उनकी पूरी राजनीति, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, एक ही मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं, उनका एक ही सपना है मोदी रोको, एक ही एजेंडा मोदी रोको। मोदी कहता है विकास करना है, वो कहते हैं मोदी का विनाश करना है। निर्णय देश की जनता को करना है, निर्णय देश की जनता को करना है, ये नकारात्मक राजनीति को विदाई देना है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब खुदराम बोस जहां बलि चढ़े, बलिदान हुए, उस पवित्र धरती पर से मैं कहना चाहता हूं, मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। आपका बहुत बहुत आभार।
मेरे साथ बोलिए भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, वंदे 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 वंदे।